डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए आईयूपीएसी सिस्टम से रिलेटेड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है देखिए नेमिंग का स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके अलावा जो है देखिए एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन का स्टडी करा दिया है। इस पार्ट में हम आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है स्टडी कराएंगे। देखिए एक्चुअल में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वह जो है देखिए आर सी डबल ओ एच, देखिए ये जो है यही है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कीटोन बताया था, तो उसके लिए आपको बताया गया था कि देखिए ये जो है आपका कीटोन होता है, तो इसको आप सीओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए ये सी डबल ओ एच और ये क्या है आपका एल्किल ग्रुप या इसी को कहते हैं एल्काइल ग्रुप। आप एल्किल ग्रुप बोलिए, एल्काइल ग्रुप बोलिए, कोई बात नहीं। और देखिए यहां पर आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल का मतलब मेरा एरोमेटिक कार्बन से होता है। तो चलिए ठीक है, मैं ये बताना आपको चाहता हूं कि देखिए इसका जो है एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कभी भी आप देखिए आपको जो है ये भी देखिए ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी क्या है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका ये जो है स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो देखिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसका जो जनरल फार्मूला है वह है आपका CN देखिए H ट्वाइस N प्लस वन एंड C डबल ओ एच, ये इसका क्या है देखिए जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला आपको सबका जानना चाहिए। अच्छा इसी जनरल फार्मूला को देखिए कुछ बुक्स लोग एक्चुअल में सी एन एच ट्वाइस एन ओ टू भी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये देखिए जनरल फार्मूला सी एन एच ट्वाइस एन प्लस वन सी डबल ओ एच या आप सी एन एच ट्वाइस एन ओ टू भी लिख सकते हैं, तो ये है आपका जनरल फार्मूला। देखिए एक और बात हमको बताना है, सपोज करिए आपको इसका फर्स्ट मेंबर, भाई देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, तो वन के प्लेस पर आप वन रख दीजिए, तो देखिए सी वन एच टू इंटू वन ओ टू, तो देखिए ये क्या आ गया आपका सी एच टू ओ टू। देखिए इसको आप क्या ऐसा देखिए यह चूंकि देखिए एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपको सी डबल ओ एच के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यच सी डबल ओ एच, देखिए इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है टू नंबर, तो देखिए हाइड्रोजन टू नंबर है, कार्बन कितना है वन नंबर, ऑक्सीजन टू नंबर, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मेंबर। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर जो है इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है फॉर्मिक एसिड, ये इसका जनरल नेम है, इसको आपको
हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो देखिए ये आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, ये फर्स्ट मेंबर है। और इसका भाई देखिए आयुपाक नियम क्या होगा, इसका आयुपाक नियम क्या होगा वो अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ही। तो देखिए अब हम आपको एक चीज बता दें, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखिए इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं। एक्चुअल में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अभी हमने बताया आपको RCOOH, इस ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके साथ साथ ये जो है देखिए एक्चुअल में यहां पर एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, एराइल ग्रुप भी आ सकता है। तो इसीलिए इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। देखिए फर्स्ट जो है सपोज करिए एलिफाइटिक ग्रुप, फर्स्ट जो क्या होगा एलिफाइटिक ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को मैं जीआर लिख रहा हूं। और यहां पर जो है देखिए एरोमैटिक ग्रुप, एरोमैटिक ग्रुप, चलिए ठीक है। तो देखिए एलिफाइटिक ग्रुप भी, ये आर की बात मैं कर रहा हूं, आर जो है आपका एलिफाइटिक ग्रुप भी हो सकता है, एरोमैटिक ग्रुप भी हो सकता है। सपोज करिए एलिफाइटिक ग्रुप है तो वो होगा आपका एल्काइल, वो क्या होगा एल्काइल, समझिए जरा ध्यान से, ये एल्काइल होगा। अच्छा अगर एरोमैटिक ग्रुप होगा तो वह होगा एराइल, वो क्या होगा एराइल। तो देखिए एल्काइल ग्रुप के साथ जो मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए ये एल्काइल ग्रुप के साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे अटैच होगा। तो देखिए ये आपका हो गया CH3COOH, देखिए ये है आपका एल्काइल ग्रुप। आप इसको C2H5COOH ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया देखिए यही आर है, यही यहां पर देखिए आर है। सपोज करिए आपका भाई अगर एरोमैटिक ग्रुप या एराइल ग्रुप आ रहा है तो ठीक है, देखिए ये है आपका बेंजीन रिंग, ये क्या है आपका बेंजीन, देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया और यहां पर आप COOH, ठीक है। तो ये है आपका देखिए ये आर का जो है फंक्शन करेगा, ये आर है और COOH। तो ये देखिए मैं इसका अभी नेमिंग का बात नहीं कर रहा हूं, तो इस तरह से ये जो है RCOOH, तो R की क्या स्टोरी है, यही स्टोरी है। अब देखिए एक्चुअल में देखिए ये आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, तो अब आपको ये भी हमें बताना पड़ेगा कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप। भाई देखिए जैसे आपको एल्कोहलिक ग्रुप में, एल्कोहल में आपको बताया गया OH और उसका नेमिंग ऑल, एल्डिहाइड में CHO उसको ऑल, तो ठीक उसी तरह से यहां भी देखिए इसका जो आयुपाक नेम जब आप लेंगे तो ओइक एसिड, याद कर लीजिए ओइक एसिड, बस यहां पर ओइक एसिड आता है। अब कोई स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि भाई ठीक है एल्केन में एन आया, एल्कीन में ईन आया, एल्काइन में आइन आया, एल्कोहल में आल आया, एल्डिहाइड में ऑल आया, कीटोन में ओन आया, बट यहां पर ओइक आना चाहिए, फिर एसिड कहां से, एपी वर्मा जो है एसिड भी लिख दे रहा है। एक्चुअल में ये जो है ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक होता है, इसीलिए इसको ओइक एसिड लिख देते हैं, बस
याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसिड है, समझ लीजिए। तो ये है ओइक एसिड। तो आप इसका जब भी आयुपैक नेम लेंगे तो ओइक एसिड सफिक्स, इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड। तो बस, तो ये है आपका, देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में। सपोज करिए, देखिए अभी हमने बताया इसका फर्स्ट मेंबर जो है HCOOH है। अगर आपको इसका ये जो है फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर चाहिए तो CH2 इसमें ऐड कर दीजिए तो CH3 हो जाएगा। देखिए यहाँ H1 है तो CH3 COOH। अगर इसका फोर्थ मेंबर चाहिए, थर्ड मेंबर चाहिए, देखिए अगर इसका थर्ड मेंबर चाहिए तब भी मिल जाएगा, फोर्थ मेंबर चाहिए तब भी आ, तो थर्ड मेंबर इसका क्या होगा, CH3 CH2 COOH। फोर्थ मेंबर यहां पर एक और CH2 लिख दीजिए तो CH3 CH2 CH2, देखिए COOH। तो ये फोर्थ मेंबर हो गया। देखिए इसका मतलब ये हुआ, आप जो है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका आप क्या कर सकते हैं, होमोलॉगस सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। CH2 जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए और आपको अगला मेंबर मिलते चला जाएगा। तो ये है आपको, देखिए हमने आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो भी आइडिया देना है वो दे रहा हूं। चलिए ठीक है, एक बात यहां पर और मुझे बताने के बाद नेमिंग स्टार्ट कर देना है। देखिए हम आपको एक बात बताएंगे, देखिए सपोज करिए कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपके चेन में, सपोज करिए आपके चेन में टू प्लेस पर आ जाए, भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो जगह चेन में है, चेन में मत हो, चेन में। तो अगर चेन में है तो देखिए, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, इस वीडियो में भी बता रहा हूं, सपोज करिए फोर कार्बन है, कितना, फोर कार्बन। तो आप कोई भी नाम जब लिखते हैं तो देखिए ब्यूटेन, देखिए तो ई आप हटा लेते हैं, देखिए। लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप दो जगह पर आ जाए लेकिन दोनों चेन में क्या हो, शामिल हो, चेन में शामिल होना चाहिए, तो आप यहां पर ई नहीं हटाएंगे, याद कर लीजिए, बस यही मेरा कहना है भाई। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्यूटेन ही आएगा, प्रोपेन आवे, हेक्सेन आवे, तो ई आप नहीं जो है रिमूव करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, जान लीजिए भाई। अब सपोज करिए भाई आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपके चेन में, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कोई आपके चेन में आ ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके चेन, पेरेंट चेन जो है ऐसा बने उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब आ ही नहीं रहा है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेमिंग देंगे, तब आप ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, तब आप उसे सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। याद कर लीजिए, अगर ग्रुप के बाहर है तो उसको जो है आप, ठीक है जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप देखिए सपोज करिए इस तरह से आपका जो है, सपोज करिए ये कार्बन का चेन है, तो कार्बन का चेन है और ये जो है
आपका सी डबल ओ एच, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर आया हुआ है। अब समझने की कोशिश करिए, ये कार्बन का चेन है। अब बताइए लॉन्ग चेन जो है, आप जो लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं, तो अगर यहां से डिसाइड करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बट आपका लॉन्ग चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए मैं एग्जाम्पल एक दे दे रहा हूं। ये देखिए, सपोज करिए ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो देखिए इसके यहां पर सी डबल ओ एच है। बताइए अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, बस। तो ये, अरे भाई नंबरिंग यहां से नहीं होती है, तो ये बाहर हो गया। तो जब ये बाहर हो गया तो इसके लिए आप अब ओइक एसिड नेम नहीं देंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेम देंगे। और इसका जो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में सी डबल ओ एच है, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। तो आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। सपोज करिए, देखिए ये देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ये है कार्बन चेन, और यहां पर ये देखिए सी डबल ओ एच आ गया। सपोज करिए, अब आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन जो है, क्या करते हैं अपना जो है, ध्यान दीजिए, लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये अरे भाई ठीक है, ऐसे अगर चलते हैं तो 6 हुआ, बट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सपोज करिए यहां एक और है, चलिए। तो देखिए मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये आपका क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो ये देखिए ये कार्बन क्या हो गया, अरे भाई इस कार्बन की नंबरिंग नहीं कर सकते। अब आप किधर से भी चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, अच्छा इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए 1 2 3 4 5 6, बट देखिए ये इस वाले लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या करना है, चूज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ठीक है, जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 इधर से ही चलेंगे, मुझे मालूम है, बट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये होगा ना। तो ये क्या हो गया है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो गया। तो इसका जब नेमिंग करेंगे तो वहां पर सीधा सीधा बात मैं बता रहा हूं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, बस यही मेरा आपसे अनुरोध था। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है, कुछ एग्जाम्पल ले करके और आपको हम आयुपैक नेमिंग जो है बताएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्चुअल में सपोज करिए सी एच थ्री सी डबल ओ एच सेकंड मेंबर, अच्छा जो फर्स्ट मेंबर था एच सी डबल ओ एच, इसके बाद देखिए सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच, चलिए
CH3, CH2, CH2, COOH. बहुत है, आप देखिए ये फर्स्ट मेंबर है तो इसमें कार्बन वन है, तो इसका मतलब ये इसका नेम लिखना है आपको, तो मेथेनोइक एसिड, बस हो गया मेथेनोइक एसिड, मैं लिख दे रहा हूं मेथेनोइक, देखिए यहां ई नहीं रहता है, मेथेनोइक एसिड। अरे भाई मैंने आपको आप बताया था इसका सफिक्स क्या आता है, ओइक एसिड, तो हो गया मेथेनोइक एसिड। देखिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टू है, तो ये क्या है आपका एथेनोइक एसिड, ये क्या है एथेनोइक एसिड, बस। अब देखिए इसका नेमिंग करिए तो 1, 2, 3 नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, तो इसको कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड, बहुत इजी है भाई। अब देखिए यहां पर भी नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4 भाई नंबरिंग इधर से ही होगी, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब देखिए कितना इजी है, ये जो है CH3 CH2 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 एंड COOH, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मतलब इसका नेमिंग कर दीजिए हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो देखिए कहीं भी आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इस तरह से आप हेप्टेनोइक ऑक्टेनोइक मतलब इन सारे एसिड का जो है आप नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं थोड़ा सा इससे डिफरेंट, ताकि आपका जो है एक्सपीरियंस होता जाए। चलिए देखिए क्या है अगला एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपको, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये, अब आप देख करके कहीं ये ना गलती कर जाए कि ये कीटोन ग्रुप है, नहीं ऐसा भी दिया जा सकता है। देखिए इसके पहले हमने आपको CH3COOH ऐसे लिखा था, बट इस COOH को आप अगर ऐसा देखिए समझिए तो ये भी ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मेरा मकसद इतने था, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो इसका नाम एथेनोइक एसिड होगा, बस इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। चलिए ठीक है, अब जो है अगला एग्जाम्पल जो है हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या है CH3CH और सपोज करिए COOH और यहां पर एक BR ग्रुप है। चलिए तो देखिए ये, देखिए यहां पर क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया साइड चेन के रूप में। चलिए तो इसका नंबरिंग 1, 2, 3 इधर से ही होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, हम बता चुके हैं आपको कि सबसे पहला जो है जब भी नेमिंग करेंगे तो पहले जो है सब्स्टिट्यूएंट को, भाई देखिए सब्स्टिट्यूएंट को लिखना पहले जरूरी होता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, ये 2 नंबर पर है तो इसको लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है। इनकी कहानी तो इंड हो गई, बट यहां पर देखिए पैरेंट चेन में 3 कार्बन है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, इसको क्या लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, बस ये आपका काम समाप्त हो गया। तो इसका नेमिंग हमने आपको कर दिया,
तो ये क्या है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। चलिए देखिए एक और एग्जांपल लिया जाए। सपोज करिए कि ये CH3 CH CH2 और ये COOH। और देखिए एक और बात है, यहां से जो है मिथाइल ग्रुप है साइड चेन के रूप में, तो कोई बात नहीं, इसको भी नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3 4। अब देखिए इसका नेमिंग करिए, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो 3 देखिए 3 मिथाइल, बात को समझिए 3 मिथाइल। अच्छा ये जो है पैरेंट चेन में कार्बन 4 है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बस देखिए कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड स्ट्रांग रख रहे होंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही हो। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, सपोज करिए ये CH3 CH CH CH2 and COOH। देखिए यहां पर आपका CH3 मिथाइल ग्रुप, यहां भी मिथाइल ग्रुप और यहां भी मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो इसका नेमिंग आपको करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए यही है आपका पैरेंट, मतलब जो लॉन्ग चेन बनेगा वो यही बनेगा। तो देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट यहां पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम है। तो आप देखिए 3 नंबर पर, तो इसका मतलब 3, और उसके बाद 4 नंबर पर तो 3 4, फिर 5 नंबर पर तो 5, ठीक है। देखिए बट यहां पर सब्स्टिट्यूएंट नंबर आप भाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 है, सेम है, तो ट्राई मिथाइल, क्या लिखेंगे आप, ट्राई मिथाइल। देखिए बहुत इजी है। अच्छा पैरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, तो 6 है, तो इसका मतलब हेक्जेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, हेक्जेनोइक एसिड। तो देखिए ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब अगर जो है साइड चेन के रूप में यहां पर देखिए कुछ भी आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आपको लिखना पड़ेगा।